हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जमालपुरिया एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर वन कंटिन्यू है, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप। वर्ड पावर मेड इजी से हम अपनी वोकैबुलरी कर रहे हैं। इसका सेशन वाइज हम इसको कंप्लीट करेंगे, वर्ड पावर मेड इजी को डेली एक सेशन का एक सीरीज आपको मिला करें। जो हमारा चैप्टर वन है इसमें कुल तीन सेशन हैं। सेशन वन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज हमारा है सेशन टू। आज हम पढ़ेंगे सेशन टू के बारे में, जो कि प्रस्तुत करूंगा मैं। तो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं कि सेशन टू में हमारे कौन कौन से वर्ड हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला वर्ड है हमारा इगोसेंट्रिक, दूसरा है इगोमेनियाक, तीसरा इगोमेनियाकल, चौथा जो हमारा वर्ड है अल्ट्रुइज्म, फिफ्थ हमारा वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक। तो आप देख रहे होंगे कल हमने ईगो से रिलेटेड दो वर्ड्स पढ़े थे, कौन कौन से, इगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। कल के सेशन में हमने दो वर्ड्स को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आपको इन दोनों वर्ड्स में अच्छे से डिफ्रेंशिएट पता चल गया होगा। अगर किसी को इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, डिफरेंस नहीं पता इन दोनों में, तो कल का सेशन आप पहले देखिए, क्योंकि जो अगला सेशन होगा वो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप पिछला सेशन देख के आएंगे। अगर कोई कैंडिडेट नया है तो पहले अपना पिछला सेशन कंप्लीट करें, तभी इसी सेशन को कंटिन्यू करें। तो ठीक है, तो कल हमने ईगो से रिलेटेड दो वर्ड्स पढ़े थे, इगोइस्ट एंड इगोटिस्ट। आज हम पढ़ेंगे इगोसेंट्रिक एंड इगोमेनियाक। इगोमेनियाक जो है एक नाउन होता है, इगोसेंट्रिक नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों होता है, इगोमेनियाकल आपका एडजेक्टिव होता है। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसएम आपको दिख जाए वह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह। अल्ट्रुइस्टिक होता है हमारा एडजेक्टिव, जैसे कि कल के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था अल्ट्रुइस्ट, कल हमने पढ़ा था अल्ट्रुइस्ट के बारे में जो एक नाउन होता है। आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रुइज्म एंड अल्ट्रुइस्टिक के बारे में, इसलिए कह रहे हैं हम, यदि किसी ने अभी तक सेशन वन नहीं देखा है तो पहले आप सेशन वन देखिए। हर सेशन, एक सेशन दूसरे सेशन से इंटरकनेक्टेड है, तभी आप अच्छे से वर्ड्स को समझ पाएंगे। अगला कौन सा वर्ड पढ़ेंगे, हमारा सिक्स नंबर पे जो वर्ड है हमारा टू अल्टरनेट। अगर टू के साथ अल्टरनेट आता है, टू प्लस वी वन की फॉर्म बनाएगा, ये टू प्लस वी वन की फॉर्म बनाएगा। टू अल्टरनेट का मतलब हो जाएगा वर्ब, और ओनली अल्टरनेट आता है तो उसका मतलब होएगा एडजेक्टिव। ओनली अल्टरनेट का मतलब हो जाएगा एडजेक्टिव। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा अल्टरनेटिव। अल्टरकेशन पढ़ेंगे, अल्टरेशन पढ़ेंगे। जिस भी वर्ड के लास्ट में टी आई वन लग जाए वो होता है आपका नाउन, वो क्या होता है आपका नाउन। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो चार वर्ड हैं हमारे अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टरकेशन, अल्टरेशन, आपके सिमिलर से वर्ड हैं, बट इनका मीनिंग जो है आपको टोटली डिफरेंट मिलेगा। तो इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम इन दो वर्ड्स को भी पढ़ेंगे, टू एल्टर। एक पढ़ेंगे हम टू एल्टर, और एक पढ़ेंगे एल्टर ईगो। जिस तरह से हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ाया था आपको सुपर ईगो, हमने क्या डिस्कस किया था, सुपर ईगो पढ़ा था ना, उसी तरह से आज हम पढ़ेंगे एल्टर ईगो किसे कहते हैं। सेशन वन में हमने जाना था सुपर ईगो क्या होता है। तो चलिए इन सभी वर्ड्स को डिटेल में पढ़ते हैं, साथ के साथ हम इनका एंटोनियम्स और सिनोनियम्स भी देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। यदि आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं आज का हमारा जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड आज का हमारा ईगोसेंट्रिक। ये दो वर्ड से बना है, दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। ईगो, ईगो रूट वर्ड के बारे में हमने आपको कल बताया था। ईगो मतलब होता है आपका सेल्फ या आई। सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर, मतलब जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन को हम क्या कहेंगे, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक कौन होता है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन को कहते हैं ईगोसेंट्रिक। ठीक है, ईगोइस्ट भी कौन था, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन था, लेकिन ईगोसेंट्रिक जो होता है ईगोइस्ट की भी एक्सट्रीम फॉर्म होती है। आप इसको इससे याद कर सकते हैं, ईगोइस्ट एंड ईगोसेंट्रिक ऑलमोस्ट सिमिलर से वर्ड हैं, बट जो ईगोसेंट्रिक सिचुएशन होती है वो इनटॉलरेबल सिचुएशन होती है। मतलब हम कह सकते हैं ईगोसेंट्रिक किसे कहेंगे, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट। और ईगोइस्ट हमने आपको कल बताया था, ईगोइस्ट क्या होता है, एक्सट्रीम फॉर्म होती है किसकी, ईगो की जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है उसे ईगोइस्ट कहते हैं, और ईगोइस्ट की एक्सट्रीम फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ईगोसेंट्रिक। इसीलिए ईगोसेंट्रिक क्या होती है, आपकी इनटॉलरेबल सिचुएशन होती है, थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसे हम कहेंगे ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ईगोमेनियाकल। ईगोमेनियाकल आप देख पा रहे होंगे ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, ईगो एंड मेनियाक। मेनियाक का मतलब जो होता है हमारा रूट वर्ड हमारा मेनियाक, मेनियाक का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके पागलपन हो जाना, ऑब्सेशन, किसी चीज़ को लेके ऑब्सेशन होना, इतना पागलपन हो जाना उस चीज़ को लेके, ऑब्सेशन का मतलब होता है पागलपन।
ऑब्सेशन, तो मतलब मोरबिड ऑब्सेशन हम कह सकते हैं, ईगो मैनियाकल पागलपन होना, मैनियाक मतलब पागलपन, ईगो मतलब सेल्फ, खुद को लेके इतना पागलपन हो जाना कि दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि उन्हें बुरा लगेगा या कैसा लगेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही जो बंदा सोचता है उसे ईगो मैनियाकल कहते हैं। तो ईगो मैनियाकल जो सिचुएशन कैसी होती है, वो एक डेंजरस सिचुएशन होती है। ईगो मैनियाकल जो होती है एक डेंजरस एंड स्लाइटली मेड सिचुएशन होती है, जो ईगो मैनियाकल सिचुएशन होती है हमारी। मोरबिडली इसका क्या हो जाएगा, आप याद रख सकते हैं इसको, मोरबिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड इन वन सेल्फ, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है उसे ईगो मैनियाकल पर्सन कहते हैं। मोरबिड ऑब्सेशन, आप इस वर्ड से इसको याद रख सकते हैं, मोरबिड ऑब्सेशन, ये इसका कीवर्ड है, ईगो मैनियाक या ईगो मैनियाकल। ईगो मैनियाकल जो है आपका एडजेक्टिव होता है, और जो ईगो मैनियाक है आपका, ये आपका नाउन होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। मतलब इन दोनों का सिमिलर सा है, मीनिंग जो इनका सिमिलर सा है। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ अपने में ही ओरिएंटेड रहता है, अपना इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखता है, उसे कहते हैं इगोमेनियाक। सेल्फ ऑब्सेस्ड, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा मैग्नानिमस। इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है काइंड एंड जीनेरियस जो पर्सन होते हैं ना, मैग्नानिमस किसे कहते हैं, काइंड और जो जीनेरियस पर्सन होते हैं। और इसका दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड या अनसेल्फिश पर्सन को हम कहेंगे मैग्नानिमस। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म आप देख पा रहे हैं ISM जिस भी वर्ड में लग जाए उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो एक कैसा होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। तो अल्ट्रुइज्म जो है आपका अल्ट्रुइस्ट से बना है, किससे बना है, अल्ट्रुइस्ट से। और अल्ट्रुइस्ट हमने आपको बताया था कल, अल्ट्रुइस्ट के बारे में आपको बताया था कल कि जो अल्ट्रुइस्ट होता है उस कौन होता है, एक नाउन होता है। अल्ट्रुइस्ट किसे कहेंगे, डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों की वेलफेयर में डिवोट होता है उसे कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो अल्ट्रुइज्म क्या हो जाएगा हमारा, फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस, दूसरों के वेलफेयर को अपने से ऊपर रखता है उसे कहेंगे हम अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव है, ये भी हमारा अल्ट्रुइस्ट से ही बना है। इन तीनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सा मीनिंग है, अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइस्ट एंड अल्ट्रुइस्टिक। ऐसा आपको इनमें डिफरेंस पता चले इसीलिए हमने इन दो वर्ड्स को आज इंक्लूड किया है। अल्ट्रुइज्म आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और अल्ट्रुइस्टिक जो होता है आपका एडजेक्टिव होता है। तो तीनों वर्ड्स का मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको नजर आ रहा होगा। अल्ट्रुइस्टिक कौन हो जाएगा, मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स इन वंस अदर्स देन इन वंस ओन, जो अपने से ज़्यादा दूसरों के वेलफेयर में इंटरेस्टेड रहता है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेनिवेलेंट, बेनिफिसेंट। और हमने अल्ट्रुइस्ट का एक सिनोनिम्स आपको कल और बताया था फिलान्थ्रोपिस्ट, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फिलान्थ्रोपिस्ट। तो ये फिलान्थ्रोपिस्ट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, आप इसको भी याद रखना साथ के साथ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट अगर अल्टरनेट सिंपल आ रहा है तो अल्टरनेट आपका जो होता है एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, टू अल्टरनेट होता है वो होता है एक वर्ब की तरह काम करता है। तो टू अल्टरनेट का हमारा क्या मीनिंग होता है, टू टेक वन एंड स्किप वन, मींस अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज का मतलब ये हुआ जैसे कि अल्टरनेट डेज मंडे से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आज मंडे, अल्टरनेट इसके बाद कौन सा डेज आएगा, ट्यूजडे को हम स्किप कर देंगे और वेनसडे ले लेंगे, मतलब एक छोड़ के एक, एक के बाद एक उसे कहते हैं हम अल्टरनेट, टू अल्टरनेट इसका मतलब होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो एडजेक्टिव हमारा अल्टरनेट, अल्टरनेट का मीनिंग जो है हमारा वो होता है वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, एक का सब्स्टिट्यूट कोई किसी चीज़ का अगर सब्स्टिट्यूट बनता है तो उसे अल्टरनेट कहेंगे, यू हैव एन अल्टरनेट ऑप्शन जो होते हैं कोई किसी चीज़ का। तो अल्टरनेट समझ में आ गया आपका, वन हु सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ये होता है अल्टरनेट। एंड टू अल्टरनेट का मतलब होता है टू टेक वन एंड स्किप वन, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंटरलेस एंड इंटरवर्स। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है इसी से मिलता जुलता वर्ड हमारा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ए च्वाइस, आपके पास किसी काम को करने की च्वाइस होना, अल्टरनेटिव आपके पास किसी प्लान का अल्टरनेटिव होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्क्रिशन। एंटोनियम से अगर देखें इसका तो ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, जहाँ जिस चीज़ में आपको बाध्यता हो गई मतलब वो चीज़ आपको करनी ही करनी है, वहाँ पर आपके पास नो अल्टरनेट, मतलब यू हैव नो च्वाइस, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे हम ड्यूटी है, जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, जो हम ड्यूटी जाते हैं ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए नो अल्टरनेटिव, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, हमें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी ही होगी। तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपको अल्टरनेट, अल्टरनेटिव इन दोनों में आपको अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं अल्ट्रेशन के बारे में,
अल्ट्रेशन का मतलब होता है ए चेंज, इस कीवर्ड से आप इसको याद रखना, अल्ट्रेशन मतलब होता है ए चेंज, किसी चीज़ में आप चेंज करके उसको डिफरेंट बना रहे हो, मतलब मॉडिफाई करना, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना। जैसे आप कोई पैंट शर्ट लेके आते हो, किसी की लूज रह जाती है, इसको आप काट छाट के क्या करते हैं, उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज करके उसको मॉडिफाई करते हैं, उसे कहते हैं अल्ट्रेशन। तो अल्ट्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, उसे अल्ट्रेशन कहेंगे। और एंटोनियम्स इसका क्या बन जाएगा, फिक्सेशन, स्टेबलाइजेशन, किसी चीज़ को फिक्स कर देना, मतलब उसमें आप कोई चेंज नहीं करना आपको, स्टेबलाइजेशन, ये आपके इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, टू एल्टर। टू एल्टर का मतलब होता है टू चेंज। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे इसमें, एल्टर, एल्टर एक अपने आप में एक रूट वर्ड है, जो कि हमने आपको कल बताया था, एल्ट्रिस्ट जो पढ़ाया था, एल्टर रूट वर्ड से ही बना है, एल्टर रूट वर्ड से ही बना था एल्ट्रिस्ट। एल्टर रूट वर्ड का मतलब होता है अदर, बट जो है आप इस एल्टर को यहाँ कन्फ्यूज मत करना, इसीलिए इस वर्ड को अच्छे से आप देख लेना, इस वर्ड को आप अच्छे से याद रखना कि टू एल्टर का अपने आप में मीनिंग होता है टू चेंज। टू एल्टर मतलब टू चेंज, और एल्टर जो रूट वर्ड होता है उसका मतलब होता है अदर, इसी से हमारा बना था एल्ट्रिस्ट, जिसका मतलब होता है डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों की भलाई के लिए डिवोट रहता है उसे कहते हैं एल्ट्रिस्ट। तो टू एल्टर आपको अलग से याद रखना है, टू चेंज इसको एल्टर से आप कन्फ्यूज मत करना। चलिए, तो टू एल्टर भी आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं एल्टरकेशन। एल्टरेशन हमने पढ़ा, एल्टरेशन तो होता है ए चेंज, किसी चीज़ में आप उसको चेंज करके मॉडिफाई करना, मतलब किसी चीज़ को मॉडिफाई करना हमारा क्या कहलाता है, एल्टरेशन। अब हम पढ़ेंगे एल्टरकेशन। एल्टरकेशन एक नाउन होता है, जिस भी वर्ड के लास्ट में टी आई यू एन आपको दिख जाए वह एक नाउन होता है। एल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट, वर्बल डिस्प्यूट या नोइजी आर्ग्यूमेंट करना किसी के साथ, नोइजी आर्ग्यूमेंट, वर्बल डिस्प्यूट, जो वर्बली जो लड़ाई झगड़ा होता है उसे कहते हैं एल्टरकेशन। वे नोइजी आर्ग्यूमेंट, वर्बल डिस्प्यूट, नोइजी आर्ग्यूमेंट एंड डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट से आप याद रख सकते हैं इसको, एल्टरकेशन को। इसका सिनोनियम्स हो जाएगा फ्रैकस, फ्रैकस का मतलब ये होता है आपका नोइजी आर्ग्यूमेंट। इसका सिनोनियम्स हो जाएगा रिकंसिलेशन, आपसी सहमति होना। अल्टरकेशन का मतलब तो क्या है, आपका कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो रहा है, वर्बली डिस्प्यूट हो रहा है, बट यहाँ जो है रिकंसिलेशन का मतलब है आपसी सहमति। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है आज का, एल्टर ईगो। क्या पढ़ेंगे, एल्टर ईगो, जिस तरह से हमने आपको कल बताया था सुपर ईगो, ईगो से ही बना वर्ड था हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्ड होता है, न कि एक नेगेटिव वर्ड होता है, आप ये जान लीजिए। उसी तरह से एल्टर ईगो भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड ही है, क्या है कि एक पॉजिटिव वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है वंस अदर सेल्फ, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी कॉपी, जो बिल्कुल आपके जैसा हो, बिल्कुल आपकी तरह सोचता हो, बिल्कुल आपकी तरह विचार रखता हो, उस पर्सन को कहेंगे हम एल्टर ईगो। मतलब हम कह सकते हैं ए क्लोज फ्रेंड हु इज़ वेरी अलाइक वन सेल्फ, ऐसा क्लोज फ्रेंड जो बिल्कुल आपकी तरह हो, ठीक है, हर एक्टिविटी में आपकी तरह जैसा हो, उसे कहेंगे एल्टर ईगो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड को हम क्या कहते हैं, एल्टर ईगो कहेंगे। इसका सिनोनियम्स हो जाएगा एम्बिगो एंड बडी, इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। सुपर ईगो हमने आपको बताया था द पार्ट ऑफ माइंड, द स्टेट ऑफ माइंड विच टेल्स यू वट इज़ रॉन्ग एंड वट इज़ राइट, उसको हम कहते हैं सुपर ईगो। आपके मस्तिष्क की वो अवस्था जो आपको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, उसे कहते हैं सुपर ईगो। आपके माइंड के जो कंसाइंसनेस है उसी को हम कहते हैं सुपर ईगो। तो सुपर ईगो एंड एल्टर ईगो में आपको अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो।